असलम गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो मेरा नाम है आमना आई डू मेकअप टूटोियल एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू फैशन एंड ब्यूटी तो जैसे कि आपको थम नेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं मिस रोज़ के गोल्डन कैप कंसीलर को रिव्यू करूँगी और इसका जो बहुत ही फेमस कंसीलर है दूसरा वाला ब्लैक कैप कंसीलर उसके साथ कम्पेयर भी करूँगी तो चले जी ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर रिव्यू स्टार्ट करते हैं प्राइस में दोनों तकरीबन सेम है वो भी थ्री हंड्रेड के अराउंड है ये भी थ्री हंड्रेड के अराउंड है शायद दस बीस रुपए का ही फर्क होगा मैं प्राइस क्रीम पे दोनों की मेंशन कर दूंगी सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की तो इसका जो है नॉर्मल क्लियर बॉटल है और गोल्डन कलर का शाइनी सा कैप है अंदर से जो है इसका एप्लीकेटर जो नॉर्मल डो फुट एप्लीकेटर होता है कंसीलर या लिपस्टिक का वैसा है इसकी बॉटल पे जो है लिखा हुआ है मिस रोज़ प्रोफेशनल गोल्डन कलर में अगर मैं इसको ब्लैक कैप वाले कंसीलर से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली इसकी पैकेजिंग ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन इसका जो डाउन पॉइंट है ना पैकेजिंग का वो ये है कि इसके ऊपर कोई इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं है कोई एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है कुछ भी नहीं है सिर्फ मिस रोज़ प्रोफेशनल लिखा हुआ है जबकि इसकी जो बॉटल है क्वांटिटी इस पे मेंशन है सारे इसके इंग्रेडिएंट्स इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन होते हैं और एक्सपायरी डेट वगैरह भी जो कि इस पर नहीं है इसका कोई बॉक्स भी नहीं है ये सिर्फ ऐसे बॉटल ही आती है इसका बॉक्स होता है उस पर हर एक चीज़ लिखी होती है तो ये डेफ़िनेटली इसका एक डाउन पॉइंट मुझे लगा नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके टेक्स्चर की इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है ठीक है लेकिन अगर मैं इसको ब्लैक कैप वाले कंसीलर से कंपेयर करूँ तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा इसका टेक्स्चर जो है पतला है थोड़ा सा थिन है वो इससे जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा थिक है और इसकी जो ब्लेंडेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है जिस तरह ब्लैक कैप वाला कंसीलर बहुत ही इजीली स्किन में मेल्ट हो जाता है ना ये भी बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है बिल्कुल भी पैची नहीं है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको ब्लेंड करने में तो ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है तो इसकी बात कर लेते हैं फिनिश की तो ये वाला जो कंसीलर है ना हल्का सा हाइड्रेटिंग है और जब आप इसको ब्लेंड करने हैं तो हल्की सी ग्लोई फिनिश आती है मैट नहीं ये लगता ब्लेंड करने के बाद जबकि जो ब्लैक कैप वाला कंसीलर है ना वो ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा मैट लगता है बहुत ज्यादा मैट वो भी नहीं है हल्की सी लेकिन उसकी मैट फिनिश आती है अगर हम इससे कंपेयर करें ये थोड़ा सा आपको ग्लोई लुक प्रोवाइड करती है बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी कि ब्लैक कैप वाला कंसीलर जो है ना स्किन पे ज़्यादा अच्छे से ग्रिप करता है इस गोल्डन कैप वाले कंसीलर की बजाय वो जब आप ब्लेंड करते हैं ना वो बहुत ही इजीली स्किन पे बैठ जाता है जबकि ये वाला जो है ना इसकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है स्किन पे जिस वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग भी थोड़ा कम है जो कि हमारा अगला पॉइंट है कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है तो जो ब्लैक कैप वाला कंसीलर है वो बेहद लॉन्ग लास्टिंग है पाँच छः घंटे बाद भी आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश लग रही होती है अगर आप उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके सेट करते हैं जबकि ये जो है ना जैसे मैं अपनी नॉर्मल बेस बनाती हूँ प्रॉपर प्राइमर वगैरह के साथ सेट करके उसके बावजूद पाँच को घंटे बाद जो है ना ये ऐसे जैसे उतर गया है अंडर आइज जो है ना अजीब सी हल्की सी लाइक like, नजर आने शुरू हो जाती है स्किन उतरा उतरा सा फील होता है काफी फेडेड लगना शुरू हो जाता है तो इसकी लास्टिंग पावर जो है इतनी अच्छी नहीं है जबकि ब्लैक कैप वाले कंसीलर की लास्टिंग पावर बहुत अच्छी है अब जो है ना मैं आपको थोड़ा इसके शेड के बारे में गाइड कर देती हूँ और बात करते हैं कि क्या ये ऑक्सीडाइज करता है यानी डार्क हो जाता है ग्रे हो जाता है कि नहीं पहले जो है ना मैं गोल्डन कैप कंसीलर का स्वाच करी हूँ जिसमें मेरे पास है शेड बेज वन आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है और वार्म टोन कलर है ये मैंने इसमें बेज वन इसलिए खरीदा था क्योंकि मेरे पास ब्लैक कैप वाले कंसीलर में शेड बेज टू ऑलरेडी था और मैं चाह रही थी कि हाइलाइटिंग कंसीलर लूं और अब आप देख सकते हैं जब मैं बेज टू स्वॉच कर रही हूं तो वो बेज वन से एक्चुअली लाइट लग रहा है जिस वजह से मैं काफी सरप्राइज हुई थी और पहले मुझे लगा था कि शायद गोल्डन कैप वाला कंसीलर ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि बेज वन को तो बेज टू से लाइट लगना चाहिए लेकिन वो डार्क लग रहा है बेशक सेम ब्रांड के हैं लेकिन क्योंकि वो ब्लैक कैप वाला है ये गोल्डन कैप वाला है तो इनकी शेड रेंज में थोड़ा सा फर्क है तो ये दोनों शेड्स भी काफी सिमिलर हैं थोड़ा अंडरटोन का फर्क है जो गोल्डन कैप वाला है ना ये वार्म अंडरटोन है और जो दूसरा वाला है ना वो न्यूट्रल अंडरटोन है ये कंसीलर जो है ऑक्सीडाइज नहीं करता ना ये डार्क होता है ना ये ग्रे होता है अब मैं आपको दोनों कंसीलर बारी बारी अप्लाई और ब्लेंड करके दिखाती हूँ और इसके कवरेज के बारे में बताती हूँ सबसे पहले तो जो मैंने अपनी नॉर्मल बेस प्रोडक्ट्स हैं वो अप्लाई की पीच कलर से कलर करेक्टिंग की और फाउंडेशन अप्लाई करी मिस रोज की सिल्क फाउंडेशन जिसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में रिव्यू भी किया था मैं इधर लिंक डाल दूंगी अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं अभी मैं इसको फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी एज़ ए हाईलाइटिंग कंसीलर इन दोनों कंसीलर्स को मैंने विदाउट फाउंडेशन भी कंपेयर किया था तो विद फाउंडेशन तो दोनों की कवरेज ना बहुत आपको सिमिलर लगती है जब आप इसको फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों की कवरेज सेम है लेकिन असल में इसकी कवरेज का पता चलता है विदाउट फाउंडेशन जो कि ब्लैक कैप वाले कंसीलर की ज्यादा है गोल्डन कैप वाले कंसीलर से विथ फाउंडेशन तो आप अभी देख ही लेंगे लेकिन विदाउट फाउंडेशन अगर आप इसको अप्लाई करते हैं ना तो गोल्डन कैप वाला कंसीलर एक्नी स्कार्स और पिम्पल्स वगैरह को हाइड नहीं कर सकता अब मैं इस साइड पे जो है ब्लैक कैप वाला कंसीलर अप्लाई करूंगी और दूसरी साइड पे गोल्डन कैप वाला दोनों साइड्स पे मैं सिर्फ वन स्वाइप अप्लाई कर रही हूँ ताकि हम चेक कर सकें कि सेम क्वान्टिटी में जो है दोनों कंसीलर कितनी कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं और फेस के बाकी हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे मैं गोल्डन कैप वाला कंसीलर ही अप्लाई करी हूँ जैसे कि चेन ब्रिज ऑफ द नोज और फोरहेड का सेंटर अच्छा आप देख सकते हैं कि दोनों के कलर कितने सिमिलर लग रहे हैं हालांकि एक शेड का डिफरेंस है पहले जो है मैं ब्लैक कैप वाले कंसीलर को ब्लेंड करी हूँ जो कि मुझे पता ही है कि जिसकी ब्लेंडेबिलिटी बहुत कमाल है ये जो ब्लैक कैप वाला कंसीलर है ना ये मीडियम कवरेज है लेकिन इसको बिल्ड अप करके आप फुल कवरेज बना सकते हैं ये फाउंडेशन के बगैर भी जो है ना आपके एक्नी स्कार्स वगैरह कवर कर सकता है बहुत ज्यादा डार्क स्कार्स हो तो ब्लैक कैप वाला कंसीलर भी कवर नहीं कर सकता लेकिन स्टिल वो काफी हद तक कवर कर देता है ये जो गोल्डन कैप वाला कंसीलर है ये पिम्पल्स और स्कार्स वगैरह को विदाउट फाउंडेशन बिल्कुल कवर नहीं कर पाता ये मीडियम कवरेज भी नहीं है ये लाइट टू मीडियम कवरेज है बहुत ही नेचुरल लुक के लिए अच्छा है या फिर हाई लाइटिंग के लिए ये यूज हो सकता है कि आपने फुल कवरेज फाउंडेशन अप्लाई की हुई है और उसके ऊपर आपने जस्ट हाईलाइट करने के लिए कंसीलर लगाना है आप देख सकते हैं ब्लेंड तो ये भी काफी ईजिली हो गया ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी बहुत ही इजिली स्किन में मेल्ट हुआ है आप देख सकते हैं कि ना होने के बराबर फर्क है दोनों साइड्स में फाउंडेशन के ऊपर कवरेज भी बहुत सिमिलर लग रही है हल्का सा डिफरेंस जो है फिनिश में है गोल्डन कैप वाला जो है थोड़ा सा ज्यादा ग्लो है मेन डिफरेंस है कि लॉन्ग लास्टिंग ब्लैक कैप वाला ज़्यादा है वो, वो स्किन पे ग्रिप भी बेटर करता है फाउंडेशन के बगैर उसकी कवरेज भी ज़्यादा है अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं कि मैं कौन सा वाला रिकमेंड करूंगी तो वो डेफिनेटली ब्लैक कैप वाला कंसीलर है जिसके ऊपर मैं पहले भी डिटेल रिव्यू कर चुकी हूं और काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूं हालांकि ये वाला हाइड्रेटिंग और ग्लोई फिनिश के साथ है मेरी ड्राई स्किन है तो मेरे पे हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट ज्यादा बेटर वर्क करती है लेकिन क्योंकि ना ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है मुझे यह है इतना अच्छा नहीं लगा डेफिनेटली ये वाला रिकमेंडेड है ऑल स्किन टाइप्स पे बहुत बेस्ट वर्क करता है बहुत ही अच्छी फिनिश प्रोवाइड करता है आई एबली लव इट एंड जी दिस इज इट फॉर आज की वीडियो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है आज की वीडियो से किसी भी किस्म का फायदा हुआ हो आपका तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के आप रिव्यूज वगैरह देखना चाहते हैं किस तरह की मेकअप देखना चाहते हैं आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह